रोहित वेमुला के आखिरी शब्द मेरा जन्म घातक हादसा था। गुड मॉर्निंग, जब आप ये पत्र पढ़ रहे होंगे तो मैं आपके बीच नहीं रहूंगा। मेरे ऊपर गुस्सा ना हो आप, मैं जानता हूं कि आप में से कई लोगों ने मेरा सच में बहुत ख्याल रखा है, प्यार किया है और मेरी हमेशा मदद की है। मेरी किसी से कोई भी शिकायत नहीं है। मुझे हमेशा से खुद से समस्या थी। मैं अपने शरीर और आत्मा के बीच बढ़ती दूरी को महसूस करता हूं और मैं एक शैतान बन गया हूं। मैं हमेशा से ही एक लेखक बनना चाहता था, कॉलर सेगन की तरह, लेकिन अंत में सिर्फ ये पत्र लिख पाया। मैं विज्ञान, तारों, प्रकृति से बहुत प्यार करता था, लेकिन इसके बाद मैंने लोगों से प्यार करना शुरू किया, बिना ये जाने कि लोगों ने प्रकृति से बहुत पहले ही तलाक ले लिया है। हमारी भावनाएं दो दर्जे की हैं, हमारा प्रेम बनावटी है, हमारी मान्यताएं झूठी हैं, हमारी मौलिकता वैध है। बस कृत्रिम कला के जरिए ये बेहद कठिन हो गया है कि हम प्रेम करें और दुखी ना हो। इंसान की प्रयोगिता उसकी तत्कालीन पहचान तक सिमट कर रह गई है और उसे नजदीकी संभावना तक ही सीमित कर दिया गया है। एक वोट तक, एक आदमी महज एक आंकड़ा बन गया है, महज एक वस्तु। आदमी को कभी भी उसके दिमाग के हिसाब से नहीं आंका गया। एक ऐसी चीज जो स्टारडस्ट बनी थी, हर क्षेत्र में, अध्ययन में, गलियों में, राजनीति में, मरने में और जीने में। मैं इस तरह का पत्र पहली बार लिख रहा हूं, पहली बार मैं आखिरी पत्र लिख रहा हूं। मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मेरी बातों का कोई मतलब नहीं निकले। मेरा जन्म एक घातक हादसा था। मैं अपने बचपन के अकेलेपन से कभी भी बाहर नहीं निकल सका, अपने बचपन के शूद्रपन से। हो सकता है कि मैं गलत हूं पूरी तरह से दुनिया को समझाने में, प्यार, दर्द, जीवन, मृत्यु को समझने में। इसकी कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा हड़बड़ी में था। जिंदगी शुरू करने के लिए ऐतिहासिक, इन सब के बीच कुछ लोगों के लिए जीवन एक अभिशाप था। इस समय मैं आहत नहीं हूं, मैं दुखी नहीं हूं, मैं सिर्फ खाली हूं, अपने बारे में बिल्कुल उदासीन। ये दयनीय है और इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। लोग मुझे कायर कह सकते हैं, विद्यार्थी या पागल कह सकते हैं जब मैं चला जाऊं तो, लेकिन इस बात को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूं कि लोग मेरे जाने के बाद मुझे क्या कहेंगे। मैं मृत्यु के बाद कहानियों में विश्वास नहीं करता हूं, भूत और आत्माओं में विश्वास नहीं करता। अगर कुछ भी ऐसा है जिस पर मैं भरोसा करता हूं, वो है कि सितारों की सैर करूंगा, दूसरी दुनिया के बारे में जानूंगा। अगर आप जो इस पत्र को पढ़ रहे हैं मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो मुझे 7 महीने की फेलोशिप मिलनी है, 1,75,000 रुपए। कृपया इसे देखें और इसे मेरे परिवार को दिलवा दें। मुझे राम जी को भी 40,000 रुपए देने हैं, उसने कभी इस पैसे को वापस नहीं मांगा, लेकिन कृपया उसे ये जरूर फेलोशिप के पैसे में से दे दें। मेरे अंतिम संस्कार को शांतिपूर्वक होने दें, ऐसा व्यवहार करें जैसे मैं आया और चला गया। मेरे लिए आंसू नहीं बहाएं, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि मैं जीने से ज्यादा मरने में खुश हूं। तारों की छांव से उमा अन्ना, इस काम के लिए तुम्हारा कमरा चुनने के लिए माफी चाहता हूं। अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन परिवार, माफी चाहता हूं। आप सबको निराश करने के लिए आपने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं आपके बेहतर भविष्य की कामना करता हूं। एक और आखिरी बार, जय भीम।
मैं औपचारिकताएं लिखना भूल गया। मेरी आत्महत्या के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। किसी ने मुझे इसके लिए उकसाया नहीं है, ना ही किसी कृत्य शब्द से। ये मेरा फैसला है और इसके लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। मेरे दोस्तों और दुश्मनों को इसके लिए परेशान नहीं किया जाए जब मैं चला जाऊं तो। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।